तुम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जो वो खुद नहीं कर सकता, तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम्हारी भी प्रॉब्लम है जो तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। आमीन। अगर तुम दूसरे की लाइफ को इजी करोगे, तुम्हारी खुद की लाइफ इजी होगी। जो क्रिश्चियन प्रार्थना में पीछे और गिविंग में पीछे, वो कभी अपनी लाइफ में तरक्की नहीं ले सकता। उसकी तरक्की आधी अधूरी और डेंजर में, खतरे में, क्योंकि कभी भी शैतान उस पर अटैक करेगा और खत्म कर देगा। अगर आप गिविंग में हैं, अगर आप प्रेयर में हैं, तो बाइबल कहती है वो विधवा जो मर गई और पतरस जब वहां पे गया तो लोग उसे कपड़े दिखाने लगे, देख इसने हमारे लिए क्या क्या किया। उस गिविंग के कारण उस विधवा को उठाया गया। आप जानते हैं आपके घर के, अगर 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 आपने पिछले दिनों में, मैं बहुत कम देखता हूं चीजों, टीवी की चीजों को, लेकिन अगर आप कुछ चीजों को देखें टीवी में, तो एक व्यक्ति अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, डॉक्टर जो जो अंधा था, अंधा हो गया था, और वो अब एनजीओ चला रहा है, काम कर रहा है। तो उसने एक टेस्टिमनी दी कि मैं डॉक्टर के पास एक दिन, मैं किसी मरीज के दांतों को साफ कर रहा था और मुझे धुंधला दिखाई दिया, और जब मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ये फलानी फलानी आंखों की बीमारी, उसने कहा मुझे कैसे हो सकती। डॉक्टर ने कहा आपके एंशियंट, आपके किसी पिछोकड़, तो आपके किसी बूढ़े बुजुर्ग को रही होगी, और वो जीन आप में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो जीन जिंदा हो जाता है और बीमारी जिंदा हो जाती। किसी को शुगर हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको, आपके दादा को शुगर है क्या, आपके बाप को है क्या। हाँ है उनको, लेकिन मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूँ, एल्कोहल नहीं लेता हूँ। हाँ आपके दादा और परदादा से आपको ये शुगर और ये कैंसर आया। आप जानते हैं जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो इन जनरेशनल कर्सेस से हमेशा आजाद रहता और बाहर रहता है। आपको मैं बताता हूँ, ये इतने पावरफुल हैं, अगर आप इनकी पावर नहीं समझेंगे आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। आपको मैंने समझाया प्रार्थना क्यों जरूरी है और गिविंग क्यों जरूरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इनसे होता क्या है। अब अब्राहम अपनी लाइफ में परमेश्वर से सारी आशीषों और बरकतों को लेता है, लेकिन उसकी पत्नी लंबे समय तक बांझ रहती। अब उस बांझ पत्नी के एक बेटा होता है जिसका नाम इजहाक है। अब इजहाक जब बड़ा होता है, उसकी पत्नी 20 साल बांझ रहती। सेम पावर ने जो अब्राहम को फॉलो कर रही थी, इजहाक को फॉलो किया। सेम पावर, क्रिश्चियन होने के बावजूद, यहूदी होने के बावजूद, क्योंकि आत्माएं कभी भी मरती नहीं है। आत्माएं एक पर्सनैलिटी है, जो आपके बाप दादा को जो तंग कर रही थी। आपने एक टेस्टिमनी सुनी होगी थोड़े दिन पहले कि मेरे घर में किसी को पैरालाइज हुआ और उसकी डेथ हो गई, फिर मेरे ससुर की डेथ हो गई, फिर मेरे जेठ की डेथ हो गई, फिर मेरे देवर की डेथ हो गई। अब वो सेम अटैक मुझे हुआ, और जिस दिन मैं चर्च में आई, परमेश्वर ने मुझे हील किया और आज मैं पैरालाइज से आजाद हूं, और उसके बाद कभी अटैक नहीं हुआ। ये आत्माएं जो हैं, आप जितने मर्जी अच्छे हों, अच्छे कर्मों वाले भी हों, ये आपको छोड़ती नहीं जब तक आप परमेश्वर में प्रार्थनाओं के साथ और फायर के साथ इनका मुकाबला नहीं करते। आप जितने मर्जी बेचारे क्यों ना हो, आपने फुल टाइम किसी का दिल ना दुखाया हो, कोई बुरा काम ना किया हो, ये आपको कभी नहीं छोड़ती जब तक आप ये नहीं समझते कि ये दुष्ट आत्माएं, ये तरस नहीं खाती मुझे गुस्से के साथ, फायर के साथ, प्रेयर के साथ इनको अपनी जिंदगी से निकालने। और ऐसा तब होता है जब आपको प्रार्थना का महत्व समझ आते हैं। आपने प्रार्थना का वचन सुना, मुझे क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। अब जब एक व्यक्ति प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, जो वंशों के श्राप उसका पीछा कर रहे हैं, जो बाप दादाओं की दुष्ट आत्माएं जो उनके साथ थी उनका पीछा करती, जब तेरा पीछा करती, आपको यह मालूम होता है कि जब आप प्रेयर में उनको डांटते हैं, आप प्रेयर में जब फायर रिलीज करते हैं, आप जब प्रार्थना में बढ़ते हैं, आप उन दुष्ट आत्माओं के चक्कर से और वंशों के श्राप से आप आजाद होते हैं। आप चाहे बॉर्न क्रिश्चियन क्यों ना हो, आपकी लाइफ में ऐसे संघर्ष हो सकते हैं जो आपके बाप दादाओं की जिंदगी में रहे, क्योंकि बॉर्न क्रिश्चियन होना आपकी जीत की गारंटी नहीं, बल्कि प्रार्थना वाले क्रिश्चियन, जीवित क्रिश्चियन आपकी जीत की गारंटी है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से, जोर से। आप समझ रहे मेरी बात को, आप समझ रहे कि नहीं? हां, जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं, वंशों के श्राप जो आपकी फैमिली से चलते आ रहे हैं,
जो डाइवोर्स आपकी नानी ने झेला है, आपकी मम्मी ने झेला है, जो अब आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, बावजूद इसके कि आप सुंदर हैं, बावजूद इसके आप में कोई कमी नहीं, आप नहीं जानते वो दुष्ट आत्मा है जो नाश करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आती। हालेलुया। एक व्यक्ति जो अब्राहम का बेटा है, सेम दुष्ट आत्मा उसे फॉलो कर रही, सेम स्पिरिट उसे फॉलो कर रही। और अगर आप एक अलर्ट क्रिश्चियन हैं, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना वाला जीवन आपको वंशों के श्रापों से, उन आत्माओं से आपको प्रैक्टिकली अलग करता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। आपकी गिविंग प्रेशर डालती है उन प्रेयर्स के साथ कि आपको खींच के उन बैक, उस पास से आपको आजाद करके आपको अगले लेवल पर शिफ्ट किया जाए। गिविंग ये करती है आपकी लाइफ में, प्रेयर्स आपको डिस्कनेक्ट करती हैं, और प्रार्थना और गिविंग और बोना आपको शिफ्ट करता है अगले लेवल पे। और शैतान की ये इच्छा होती आपको एक लेवल पे रखा जाए, उसका यह प्लान होता है आपको नेक्स्ट लेवल पे ना जाने दिया जाए, उसका ये प्लान है, लेकिन प्रेयर आपको शैतान से डिस्कनेक्ट करती और गिविंग और बोना आपको अगले लेवल के ऊपर शिफ्ट करता है, जहां से शैतान फिर आपको पकड़ नहीं पाता। अगर आप इन्हीं चीजों पे लगे रहें और बने रहे तो